कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जैसे कि आप सबको तो पता ही होगा कि मैं कुछ दिनों से ब्लॉग नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि वो भी मेरा रीज़न है कुछ कि मैं नहीं डाल पा रहा हूँ। लेकिन अभी मैंने सोचा कि चलो एक ब्लॉग तो डाल ही दूँ, तो अभी मैं जा रहा हूँ तालाब पर, और यहाँ पर जो मुरार बोलते हैं उसको, तो मैं वो बताऊँगा आपको कि किस तरीके से खुदाए जाते हैं और किस तरीके से मार्केट में बेचते हैं और क्या प्रोसेस होती है पूरी। तो चलो चलते हैं। और वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बनी रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो चलो चलते हैं, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तालाब पर एक भैया मिले हैं मुझे, तो मैं इन्हीं से पूछूंगा कि मतलब मुरार किस तरीके से खोदे जाते हैं। तो भैया क्या नाम है आपका? जी, इनका नाम रविंद्र है, और मैं इन्हीं के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मुरार खोदे जा रहे हैं और मतलब और मार्केट में भी किस तरीके से सेलिंग की जाती है। तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट कमाए हुए, और वीडियो के एंड तक बने रहना। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलो तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अभी कोई 3-4 किलो करीब खुदे लिए अभी मुरार, तो देखते हैं भाई अभी कितने खुदे सकता है। अभी देखिए ये रखे ये सारे मुरार यहीं पे हैं अभी, देखिए। और अभी भाई अभी खुदे रहा है, और भी दिखाएंगे आपको क्या प्रोसेसिंग पूरी दिखाने हैं हम आपको। वीडियो को लाइक जरूर करना भाई, चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। अभी मैं बैठा हूँ बीच तालाब में, पूरा तालाब सूख चुका है, पानी बरसा हो नहीं रही, तो इस कारण तालाब पूरा अभी खाली है। देखिए